अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि दो इमेजेस को ब्लेंड कैसे किया जाता है या दो इमेजेस को जो है वो मर्ज कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो ये आप कैमरा का डिस्प्ले देख रहे हैं, इसके ऊपर आप जो है वो यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है वो आप एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाके आप जो भी दो पिक्चर्स जिनको मर्ज करना चाहते हैं उनको आपने, ये पिक्चर और ये पिक्चर, मैं दो पिक्चर मर्ज करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से ये मर्ज होंगे। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि वो दूसरी पिक्चर की स्पेस भी आराम से बन सके। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये दो पिक्चर्स मैंने ले लिए हैं। इसके बाद आप ये वाला एलिमेंट जो है ये देखें, इसके ऊपर जब मैं तीन डॉट पर क्लिक करती हूँ तो इसका नाम ब्लर्ड शेडो इलस्ट्रेशन आता है। इसको जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे, और जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे शो होगा। इसको 90 डिग्री पे जो है आप मूव करा के बिल्कुल स्ट्रेट आप कर लें, और इसको जो है वो आप क्या करेंगे कि इन दो पिक्चर्स के दरमियान में जो है वो इसको मूव कराएंगे। ये देखें, ये मैंने इसके दरमियान में बिल्कुल कर दिया। और एक चीज़ जो सबसे अहम है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका कलर, ये ग्रे कलर में है, आपने इसका कलर जो है वो वाइट रखना है। जब भी आप मिक्स करें या ब्लेंडिंग करें दो पिक्चर्स की, तो उसको जो है वो आपने वाइट कलर में लेके आना है। ये देखिए, ये वाइट कलर में मैंने इसको चेंज कर दिया। वाइट कलर में करने के बाद अभी ये देखिए, दोनों पिक्चर का साइज भी सेम है, और ये जो मैंने इफेक्ट लगा दिया, इसके बाद क्या करेंगे आप इसका जो है वो एक पेज को डुप्लीकेट कर लेंगे। अब ये पेज देखें, एक ये है एक ये है। आपने क्या करना है, यहाँ से ये राइट साइड वाली पिक्चर को डिलीट कर देना, और नीचे वाली से जो है वो लेफ्ट वाली साइज की पिक्चर को जो है वो रिमूव कर देना। अब एक एक करके जो है वो आप दोनों पेजेस को डाउनलोड करें। शेयर, डाउनलोड, पहला पेज सेलेक्ट करें, ये PNG फॉर्म ही रहेगी, यहाँ से पहला पेज सेलेक्ट करें और उसके बाद डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद जो है वो आप नीचे वाला दूसरा पेज जो है वो डाउनलोड करेंगे। ये एक पेज डाउनलोड होने का इंतज़ार करें, उसके बाद आप जो है वो दूसरे वाला पेज जो है वो डाउनलोड कर लें। डाउनलोड पे क्लिक करें, सेकंड पेज जो है वो आप सेलेक्ट करें और ये आपका डाउनलोड में आ जाएगा। जैसे ही आपके दोनों इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएं, आपने एक और पेज जो है वो ऐड करना है। उसके बाद अपलोड पे जाके दोनों इमेज जो डेस्कटॉप पे आपके पड़े हुए हैं उन दोनों को सेलेक्ट करें और इसको अपलोड कर लें। जैसे ही आपने दोनों इमेज जो है वो अपलोड कर लेना है, इनको आपने ऐसा सेट करना है, और ये जो ऊपर वाला इमेज है ये बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो कर लेना है। आप जैसे ही ये करते हैं, इसके जो ऊपर वाला इमेज है उसकी ट्रांसपेरेंसी को 50 कर लें। याद रखिएगा, दोनों इमेजेस की ट्रांसपेरेंसी आपने नहीं करनी, सिर्फ ऊपर वाले इमेज की करनी है। और ऊपर वाले इमेज को जो है वो आप देख लें कि वो बराबर होना चाहिए, दोनों इमेजेस बराबर होने चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई भी इमेज जो है वो एक दूसरे से बड़ा या ये थोड़ा सा जो है ऐसे कर लें कि इसका ये भी नज़र आया हमें थोड़ा। ये देखें, ये इमेजेस बराबर है दोनों। इसको अब आपने क्या कर लेना है, इसको आप सेट करें ऐसे। ये ऐसे थोड़ा सा जो है सेटिंग में थोड़ा सा ये आपका टाइम लेगा, बट आप अच्छी तरह से सेट कर लें ताकि आपको बाद में मसला ना हो। आप दोनों को सेलेक्ट करें और दोनों को इसका साइज जो है वो बढ़ा लें इसका इस तरह से। ये करने के बाद जो है आप इसको फिर से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड, और ये हमारा थर्ड पेज था। आप इसका तीसरा पेज जो है वो सेलेक्ट करें, डाउनलोड करें, और फिर उसके बाद जैसे ही डाउनलोड हो जाए आप दोबारा से अपलोड पे जाएंगे, और अपलोड के ऑप्शन पे जो है ये जो इमेज हमने अभी डाउनलोड की है इसको दोबारा से अपलोड करेंगे। एक नया पेज क्रिएट करें। नया पेज क्रिएट करने के बाद जो आपने अपलोड किया है इमेज को उसको
सेट करें। ये हमारा फाइनल पेज है, इसे बहुत ध्यान से पूरे सीन पे जो है ये होना चाहिए ताकि तस्वीर बिल्कुल क्लियर नज़र आए। इसके बाद जो है आप एडिट इमेज पे जाएं, एडिट इमेज पे जो है वो एडजस्ट के ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, पहले ब्राइटनेस थोड़ी कम करेंगे, उसके बाद कंट्रास्ट आप इसको बढ़ाएंगे, सैचुरेशन इसकी बढ़ाएंगे, और ये देखें आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार है। आप चाहें तो जो इफेक्ट हमने सेंटर में लगाया था ब्लर शेडो एलस्ट्रेटर, आप उसकी ब्राइटनेस को भी कम करना चाहें तो आप स्टार्ट के स्टेप्स में कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्जी है। इस तरह से हम दो इमेजेस को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं या इसको ब्लेंड करना भी कहते हैं, और इसी तरह से आप शेयर करें और फिर डाउनलोड करें। ये हमारा फाइनल फोर्थ पेज था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके लिए एक और कैनवा का डिज़ाइन का ट्यूटोरियल लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।